बेटी क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? और साथ में पंडित जी को लेकर तू दूल्हा बनकर यहाँ क्या करने आई हो? और आप हो कौन? अंकल जी, आप अपने लड़के को अभी बाहर बुलाइए। मैं उससे अभी और इसी वक्त शादी करूंगी। मगर बेटी, तुम हो कौन और मेरे बेटे से शादी क्यों करना चाहती हो? अंकल जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, आप अपने लड़के को बाहर बुलाइए, वरना मैं उसे घसीट कर बाहर निकालती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं अभी उसे बाहर बुलाता हूँ। मटरू, ओ बेटा मटरू, जरा बाहर आइए बेटा मटरू। पिताजी बोलिए, क्या बात है? और पिताजी ये कौन है? वाह, क्या बात है, आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो और आप मेरे घर पे क्या लेने आए हो? मगर बेटा, ये बोल रही है कि ये आपसे शादी करने आई है। अरे पिताजी, मैं इसको जानता ही नहीं तो शादी की बात कहां से आती है? सुन लिया बेटी, अब जाओ यहां से। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। क्यों, अब याद आया कि कौन हूँ मैं, या फिर बुलाऊं पुलिस को? नहीं गुलाबो, मुझे माफ कर दो। पिताजी, मैं इस लड़की से प्यार करता था और इसे शादी करने का वादा भी किया था मैंने। पिताजी, फिर मेरी जिंदगी में एक और लड़की आ गई, मैं उससे प्यार करने लग गया और इसको भूल गया पिताजी। तुम लड़के ना लड़कियों को पैरों की जूती समझते हो। पंडित जी, मंत्र शुरू करिए। पहले ऐसा करो जी, आप ये जयमाला बनाइए। पिताजी, अब हमारी शादी हो गई है और अब आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ।